तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब रूट खोल दिया गया है। सुबह जब यहाँ पर चीन पहुंची हुई थी, जिस वक्त जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाना था, तब ये रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन संदीप ये बता रहे हैं कि अब रास्ते को खोल दिया गया है, आवाजाही वहां पर शुरू हो गई है। दरअसल पीपल का एक पेड़ है, बहुत बड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन है नहीं, उसी पेड़ के नीचे मूर्तियां रखी हुई हैं, उसी की पूजा लोग करते हैं, चारों तरफ से उसे घेर दिया गया ताकि उसे कोई क्षति ना पहुंचे। जो मंदिर है, जहां जो मूर्तियां वहां पर रखी गई थी, उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे, पहले उसके लिए रेलिंग लगाई गई और फिर आगे की तरफ जो रास्ता रोकती हुई रेलिंग थी उसी को हटाने के लिए आज टीम पहुंची थी, लेकिन खाली हाथ उसे वहां से जाना पड़ा। संदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या भीड़ वहां पर कुछ कम हुई है क्या? लोग क्या वापस घरों को जाना शुरू हुए हैं, क्योंकि टीम तो जा चुकी है अब? नाराजगी भी है, लोग अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालांकि जो बता रहे थे वो टीम यहाँ से जा चुकी है ऑपरेशन खत्म करके, लेकिन अभी भी लोगों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। लगातार वो यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जा रही है, क्यों ये रेलिंग को तोड़ा जा रहा है। और चूंकि ये मंदिर काफी पुराना है, इन लोगों के जो RW है उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए, यानी मंदिर चारों तरफ से इसको घेरा गया है, चबूतरे को घेरा गया है, और उसके बाद इसको यहाँ पे लोग जो है वो पूजा करने आते हैं। थोड़ा सा मैं और दिखाना चाहूंगा कि ये जो इलाका है, ये यहाँ पे यहाँ तक रेलिंग लगी हुई थी। ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा यहाँ पे रेलिंग थी, ये रेलिंग यहाँ रेलिंग का ये निचला हिस्सा है, ये यहाँ से तोड़ के गए हैं। साथ ही ये यहाँ तक जा रहा था, यहाँ पे एक बोर्ड भी था, बोर्ड को भी वहाँ से तोड़ के जो है वो ले गए हैं। साथ ही इस तरीके से इस पूरे इलाके को घेरा गया था, गमले लगाए गए थे, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पे आती थी और यहाँ पे शाम को आके बैठते थे, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का एक्शन लेने की बात आई तो किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये सामने एक पुलिस बूथ है जो कि RWA कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाया था, उसके सामने ये मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाया गया है। उस पुलिस बूथ को अभी तक किसी भी तरीके का कोई हटाया नहीं गया है, किसी तरीके की कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई, ये यहाँ के लोगों का जो है आरोप है। लेकिन मंदिर के ऊपर कार्रवाई हुई है, मंदिर की ग्रिल तोड़ी गई है, ये इस पर नाराजगी है, क्योंकि संदीप अब लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो वहां पर क्यों डटे हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक टीम तो यहां पर आई, उन्होंने जो ग्रिल थी, अवैध निर्माण तो था, वो तो तोड़ दिया, अब लोग वहां पर क्यों डटे हुए हैं, क्या डर है उन्हें? देखिए, डर यही है कि हो सकता है कि फिर दोबारा से टीम आए और बाकी जितनी भी बची ग्रिल्स हैं उनको तोड़ दे। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से और बात करने की, खास तौर पे महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि कब आप, मैम आप बताइए कि आप यहाँ पे अभी भी लगे हुए, तो टीम तो जा चुकी है, क्या वो ये पूरा हिस्सा भी तोड़ने वाले थे? तोड़ने वाले तो थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे। हमें तो यही कह रही हूँ कि हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि अपने ही देश में मंदिर के लिए हमें एक रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, मंदिर के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे आसपास कोई दूसरा मंदिर नहीं है? एक ही मंदिर है, वो भी छोटा मंदिर है, फिर भी लोग ऐसे परेशानी। कितनी दूर है यहाँ से दूसरा मंदिर? वो दूर है, अंदर जाके उधर है, मंडी के तरफ है, इधर नहीं है। अगर यहाँ छोटा मंदिर है तो हर्ज क्या है? यहाँ ना तो बस में कोई दिक्कत है, बस जा रही इंसान जाहिर सी बात है कि नाराजगी इस बात को लेकर भी है, क्योंकि इसके आसपास जो है कोई मंदिर नहीं है। ये आप बंडावली का तस्वीर लगी है, ये इनका और दूसरी है, यहाँ पे किस तरीके से दूसरा मंदिर बनाएंगे, दूर जाना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए, और इसी वजह से ये जितनी भी महिलाएं हैं ये यहाँ पे, तो क्या आपको पता लग गया था कि ये तोड़ने आने वाले? हम चाहते हैं हमारा मंदिर रुका रहे, मोमडनों को प्रॉब्लम है, वो ईद पे भैंसे लाते हैं, ऊंट लाते हैं, गाय काटते हैं, उनका पूजा खाना बना है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 साल से ये मस्जिद खड़ी है, मदरसा खड़ा है, हमारे मंदिर से इनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी इनकी जाहिर है, इनका यही कहना है कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता जाम हो रही है, ना कोई दंगा फसाद हो रहा है। मंगलवार को बैठ कर होते तो अपना कीर्तन भजन कर लेती, और ये रास्ता गाड़ी बस जा रही, पैदल जा रही, क्या परेशानी है? अगर जाम होता तो हम भी सोचते। बिल्कुल, तो लोगों की नाराजगी संदीप हम सुन पा रहे हैं, लेकिन आनंद भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आनंद, जो वजह निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को लेकर निकल कर आ रही है, लोगों की नाराजगी फिर भी बनी हुई है, हालांकि प्रशासनिक टीम अपना एक्शन लेकर वो वहां से जा चुकी है, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं। आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्या वजह रही है, क्यों उस रेलिंग को तोड़ा गया और लोगों की नाराजगी क्यों बनी हुई है इस पूरे विवाद को लेकर?
देखिए मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए इस तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो इलाके की डीसीपी हैं वो यहाँ पर पूरे दलबल के साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की एक कार्रवाई थी और जो मंदिर को नहीं तोड़ा जा रहा है, दरअसल मंदिर के पास की जो रेलिंग है वो एक तरीके से अवैध रेलिंग थी जिसे हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई थी। जो डीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है वो हालात को कंट्रोल में किए हुए हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, जिसको लेके यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोग जो हैं, महिलाएं जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखी हैं। यही वो मंडावली का मंदिर है जिसके रेलिंग को तोड़ने को लेकर पूरी तरह से विवाद खड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पर इलाके के तमाम बड़े अधिकारी जो है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के, इस तरफ मेरे पंकज आपको दिखाएंगे, ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की जो टुकड़ियां हैं अर्धसैनिक बल की, वो यहाँ पर तैनात की गई है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था के लिए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो इलाके के लोगों से अपील कर रही है। एक बात आनंद आप और समझाइए, क्योंकि कोई भी अवैध अतिक्रमण होता है उसे हटाने के पहले नोटिस जरूर दिया जाता है। अब आम लोग ये कह रहे हैं कि नोटिस तो मिला ही नहीं, तो नोटिस को लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक आ पाई है क्या? देखिए बिल्कुल ये एक जायज सवाल है, इसको लेकर मंदिर किसके अंडर में आता है, किसकी देखरेख कौन लोग करते हैं, क्या कोई कमेटी है, कोई प्रबंध करने वाले हैं इसको, या कोई नोटिस पहले चस्पा किया गया था, इन तमाम चीजों पर भी लगातार पुलिस जो है वो जानकारी जुटाने की प्रशासन से कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद है और यहाँ पर चूंकि ये काफी व्यस्ततम रोड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी आ जा रहा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जो ट्रैफिक है वो बाधित ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों की अपनी अपनी दलीलें और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं कि महिलाएं देख सकते हैं हम मंदिर के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन जो डीएम है यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी अपनी दलीलें थी, उनका कहना था कि जो रेलिंग जो है वो अवैध तरीके से थी जिसे तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासन का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। ये नोटिस को लेकर सवाल अब संदीप मैं आपसे पूछ रहे हो, क्योंकि मंदिर का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं वहां पर, जैसा आपने भी दिखाया, नोटिस फिर किसे दिया जाए? वहीं पर चस्पा होगी अगर लगाई गई होगी तो, दूसरा तो कोई जरिया है नहीं? बिल्कुल देखिए यहाँ पे जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, यहाँ के लोगों का जो नाराजगी है वो ये साफ बताती है। अब हम यहाँ से थोड़ा समझना शुरू करेंगे कि आखिर मंदिर की पोजीशन क्या है। ये यहाँ पे एक नाला है जो कि बह रहा है, इसके ऊपर ये पुलिस का बूथ बनाया हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये फुटपाथ का हिस्सा है, ये यहाँ से लोगों के चलने का रास्ता है। और यहाँ जो जो तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि ये जगह यहाँ से बंद कर दिया गया था, चूंकि पेड़ नहीं काट सकते, मंदिर जो है वो पेड़ के नीचे बना हुआ है तो पेड़ तो नहीं काट सकते, लिहाजा जो पीडब्ल्यूडी है उनकी टीम ने उस मंदिर से आगे जितना भी स्ट्रक्चर बनाया था उसको जो है यहाँ पे तोड़ के चले गए हैं। हालांकि ये लोग रात से, उनको भी पता था कि शायद इस तरह की कार्रवाई होगी, तो ये लोग रात से भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा ही जो है वो तोड़ने दिया गया, बहुत ज्यादा हिस्सा तोड़ने नहीं दिया गया। जिस तरीके का हालात यहाँ पे बने हुए थे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, लड़के यहाँ पे पूरी रोड को जो है जाम कर चुके हैं। इससे पहले इस रोड को बंद कर दिया गया था और इसके बाद जब यहाँ पे कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद इस रोड को खोला गया। कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब ना हो, लिहाजा अब यहाँ पे जो है पुलिस और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये भीड़ को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन भीड़ अभी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है, उनका सीधा यही कहना है कि इस मंदिर को वो तोड़ने नहीं देंगे। और उसके पीछे की वजह यही बता रहे हैं कि इस जगह पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दूसरा मंदिर नजदीक में नहीं है। इकलौता एक मंदिर था जो कि पेड़ के नीचे मंदिर मूर्तियां रखी गई थी, वो इकलौता एक मंदिर था जहाँ पे यहाँ की महिलाएं आके पूजा कर रही थी। अब लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या मांग है उनकी, अगर जिस तरीके से इस रेलिंग को तोड़ा गया है, हालांकि नोटिस के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि नोटिस अगर देना था तो किसे देना था, कहां पर चस्पाना था, ये भी पता नहीं है। लेकिन अब लोगों का क्या कुछ कहना है, वो कब तक डटे रहेंगे यहां पर? देखिए अभी फिलहाल तो यहाँ पे डटे हुए हैं, कितनी देर तक डटे रहेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका एक ही कहना है कि इस मंदिर का बाकी कोई हिस्सा वो टूटने नहीं देंगे। हालांकि मंदिर इस पेड़ के नीचे है, पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है, इसको चारों तरफ से चबूतरा करके उसके ऊपर मूर्ति रखी गई है। जाहिर सी बात है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव, अगर ये लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं और इस तरीके के फुटपाथ को खोल रहे हैं, खाली करा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये जो पेड़ है वो काटने की इनके पास परमिशन नहीं होगी। फुटपाथ पे लोग जो चलते हैं, लेकिन उसी के पास पास जो मंदिर है, वो जो मंदिर है और उसको चारों तरफ से जो घेरा गया है, वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक सिक्योर
जगह बनाई गई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी दिक्कतें यहाँ पे ना हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही आरोप था कि यहाँ पे पहले हालात बहुत अच्छे नहीं थे, गुंडे मवाली यहाँ पे इकट्ठा होते थे और वो इसी सब जगह पर खड़े होते थे, इनके माँ घर वालों को चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था, लिहाजा ये मंदिर बनाया गया उसके बाद सुधार हुआ। संदीप आप बने रहिए, आनंद भी जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। आनंद, क्योंकि संदीप को लोगों ने ये बताया कि आगे पुलिस बूथ भी बनाया, उसे तो नहीं छेड़ा गया, कुछ दूर आगे मस्जिद बनाई गई है, उसके कंस्ट्रक्शन से भी छेड़छाड़ नहीं की गई, तो अगर आप आनंद ये दिखा पाए कि क्या जो मंदिर है, जो पेड़ है, वो क्या बीच रास्ते में आता है और जो पुलिस बूथ है, जो मस्जिद है, वो क्या किनारे पर है सड़क के, ये अगर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको अगर आप दिखा पाए। देखिए बिल्कुल, ये मंदिर है, ये वो पेड़ है और यही वो रेलिंग है जिसको लेके पूरा विवाद खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं ये कितना पुराना मंदिर है। ये मंदिर है जी कम से कम 35-40 साल पुराना। तो ये बताइए, ये जो डीएम यहाँ पर आए थे उनका कहना है कि केवल ये रेलिंग हटा रहे हैं हम। ऐसा है जी, यहाँ पर पब्लिक को देख के उन्होंने रेलिंग के लिए बोला, तोड़ने तो मंदिर के लिए आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों की क्या इसमें क्या पहले नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई करने आ गई? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, अपना आप आ गए बिना किसी नोटिस के। तो प्रशासन से आप लोगों की कोई बात हुई है इसका रखरखाव कौन करता मंदिर का? मंदिर का रखरखाव जी हाँ जी आरडब्ल्यू करती है। तो कोई है यहाँ पे आरडब्ल्यू के? कोई नहीं, आरडब्ल्यू के तो अभी फिलहाल कोई अंदर है, अंदर अंदर भीड़ में है वो। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये रेलिंग जो है ये इंक्रोचमेंट के दायरे में नहीं आती है? ऐसा ही देखो, ये मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है, ये मंदिर नजर आ रहा है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इसके बराबर में मदरसा बना हुआ है, इसके बराबर में मस्जिद बनी हुई है, ये सारी अवैध है भैया जी। आगे 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 इसके आगे मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है रोड के ऊपर ही, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। इनकी दलीलें हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ हो रही है तो यहाँ पर एक मदरसा बनाया, आगे मोहल्ला क्लिनिक है और वो भी तमाम इसी रूट में आते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हालांकि इसका जवाब तो प्रशासन ही दे पाएगा, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जो डीएम यहाँ पर आए थे, हालांकि वे दलील देके गए यहाँ पर कि ये इंक्रोचमेंट में दायरे में आ रहा था ये जो रेलिंग है, इसलिए से यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन तमाम यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। दायरे में आ रहा था और ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि मोहल्ला क्लिनिक है उसको आप क्यों नहीं हटा रहे जब इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल सपना, हम आपके पास आएंगे लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, लोगों को यही डर है कि मंदिर को कहीं ना कहीं खंडित ना किया जाए। देखिए कई ऐसी दलीलें हैं, कई ऐसे सवाल हैं कि साथ में मदरसा भी है, मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पर भी अवैध तरीके से उनका निर्माण किया गया है, लेकिन वहां पर कार्रवाई ना करके पीडब्ल्यूडी को ये रेलिंग नजर आई और रेलिंग पर कार्रवाई की, कोई नोटिस नहीं दिया गया, आरडब्ल्यूए की तरफ से भी कहा गया कोई नोटिस हमें नहीं थमाया गया है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोग यहाँ पर डटे हुए, उन्हें डर है कि मंदिर कहीं ना कहीं खंडित ना हो जाए। वो पहली तस्वीर आप देखिए, उसी रेलिंग को पकड़कर जो आम महिलाएं हैं वो आप देखिए हटने का नाम वास्ते नहीं ले रही है, पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी रेलिंग को पकड़कर ये महिलाएं वहां अड़ी हुई है कि इसे तो हम हटाने देंगे नहीं, वो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अभी भी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा है, उनका ये कहना है कि इलाके में अभी जो ठीक माहौल दिखाई दे रहा है वो इस मंदिर के बनने के बाद ही हुआ, उसके पहले यहाँ पर गुंडे मवाली घुमा करते थे, मंदिर जब से बना है तब से स्थिति थोड़ी संभली है इलाके की और दूर दूर तक कोई दूसरा मंदिर यहाँ शेड्यूल्ड था। इसमें एक मंदिर का ग्रिल जो फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच कर रहा था उनका रिमूव करने का प्रोग्राम था, तो हमें कल इंटीमेशन आई है पीडब्ल्यूडी से और यहाँ पे मंदिर के अराउंड में जो ग्रिल लगी है वो फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच कर रखी है, तो वो ग्रिल हटाने के लिए हमसे असिस्टेंस की मांग कर रखी है, हमने असिस्टेंस दे दिया है और जहाँ पे फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच करके वो ग्रिल लगाई थी वो ग्रिल हटा दिया है शांतिपूर्वक से और अभी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अभी जिस तरह से ये क्राउड है मैम, आपकी क्या आगे की रणनीति, मतलब यहाँ से लोगों को रिमूव करने के लिए?
अभी तो ट्रैफिक चालू है, साइड में खड़े हुए हैं और जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं एक तो मंदिर के साथ साथ, अदरवाइज ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है। हम लोग कह रहे हैं जब तक घरों में नहीं जाएंगे जब तक पुलिस नहीं जाती, पुलिस का काम है रोड पे रहेंगे, क्राइम कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना हमारा काम है, तो हमारा तो काम है। मैम कार्रवाई अब यहाँ पे रोक दी गई, कुछ भी नहीं।